नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। रामदेव के खिलाफ लगातार बहुजन समाज में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। जिस तरह से रामदेव ने एक चैनल पर जाके और कार्यक्रम में कहा है कि बहुजन आंदोलनकारी और अम्बेडकरवादी पेरियार को मानने वाले वैचारिक आतंकवादी हैं। मेरे पास सुदेश आर्या हैं जो सोशल मूवमेंट चलाते हैं, बहुजन कार्यकर्ता हैं और लगातार समाज के सुख दुख में सड़क पर खड़े होते हैं। आज पार्लियामेंट स्ट्रीट आए हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, पार्लियामेंट स्ट्रीट पर FIR दर्ज करवाने आए हैं ये लोग। सर, क्या क्या किस बात की नाराजगी है रामदेव से? सर, नाराजगी इस बात की है कि हम बाबा रामदेव ने एक मुख्य चैनल है रिपब्लिक भारत जो अर्णव गोस्वामी का है, उस चैनल पर बैठकर और कई सभा में भी बाबा रामदेव ने जिस तरह पेरियार, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और जो बहुजन विचारधारा को अपमानित किया सोशल मीडिया पर और मुख्य मीडिया पर, ये कहा कि ये वैचारिक आतंकवाद है। मुझे लगता है बाबा रामदेव को समझना चाहिए जो बहुजन मीडिया जो विचारधारा है वो मानवतावादी विचारधारा है, वो संविधान को मानती है। एग्जैक्ट क्या कहा है रामदेव ने? आपके पास वो लाइन है, कोट है, क्या कहा है, पर बताइए। बाबा रामदेव ने कहा है कि पेरियार, पीवी स्वामी पेरियार जो साउथ के हैं, तो वो नास्तिक हैं, उन्होंने भगवान को नगण्य माना है, और डॉक्टर अम्बेडकर के फॉलोअर्स हैं, जो डॉक्टर अम्बेडकर फॉलोअर्स हैं वो भी वो विचारधारा जो आतंकी विचारधारा है इस देश में फल फूल रही है, इस तरह का उन्होंने वक्तव्य दिया है अपने मीडिया में। और साथ में उन्होंने कहा कि जो समाज, हम तो समानता की बात करते करते उन्होंने कहा कि जो लेटरिन साफ करने वाला समाज और जो सफाई करने वाला समाज हमारे यहाँ सफाई कर रहा है, इसका उन्होंने जात सूचक शब्दों का प्रयोग भी किया है। तो हमारी जो आपत्ति है बाबा रामदेव को इसी लेके लिखे है कि बाबा रामदेव ने इस तरह अपमानित किया पूरे बहुजन मीडिया को, बहुजन समाज को। उन्होंने कहा शूद्र मेरे यहाँ खाना बनाते हैं, तो रामदेव तो खुद OBC कैटेगरी से। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। और क्या कहें, दो ऐसे तो 131 सांसद भी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, वो भी शूद्र समाज के हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो लोग बहुजन विचारधारा की बात कर रहे हैं। तो ये उन्हीं में से एक बाबा रामदेव जी हैं जो अपना पतंजलि करके प्रोडक्ट चला रहे हैं, और अपने प्रोडक्ट को किस तरह स्ट्रगल किया जाए, क्योंकि इस तरह बहुजन समाज में बहुत सारा प्रोडक्ट भी आ गया है, बहुजन मीडिया बाबा साहब के नाम से, भीम प्रोडक्ट के नाम से, उस सबको प्रोडक्ट कैसे निगलेक्ट किया जाए, ये सब उसकी रूपरेखा है। अच्छा, ये बिजनेस का भी खेल लग रहा है, जो बहुजन समाज के लोग बिजनेस कर रहे हैं इसलिए पतंजलि वाले को नाराजगी है, तो आप लोग क्या करेंगे बदले? बिल्कुल, बहुजन समाज ने जो आजकल अपना व्यापार की तरफ बढ़ने की जो नीति बनाई है, शायद उसको बौखलाहट बाबा रामदेव के चेहरे में दिख रही है। साथ में जो आजकल हिंदुत्ववाद की बात की जा रही चैनलों पर और संस्थानों द्वारा, ये उसकी लड़ाई के खिलाफ हमारी आवाज़ है। बाबा रामदेव के खिलाफ जो आपत्ति में पड़ी है, बेसिकली हमारा ज्ञापन और FIR करने का जो उद्देश्य है वो यही है, हम लीगलाइज चलना चाहते हैं, संविधान के तहत चलना चाहते हैं, जिसके तहत सरकार को ये ज्ञापन जाए कि भाई जिस तरह बाबा रामदेव ने जो कृतज्ञ बोला है, और अर्णव गोस्वामी को भी, दोनों को हम कोर्ट में घसीटना चाहते हैं, जिससे पता चले संविधान में कि हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, इस तरह बाबा रामदेव की जो कुर्तियाँ हैं वो छुपाएंगे। पुलिस केस दर्ज नहीं करेगी, उसके बाद क्या करेंगे आप लोग? देखिए, हमने लगातार सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर ये ट्रेंड चलाया था कि बायकॉट पतंजलि, हमने सोशल ट्विटर पर चलाया था, 4 दिन लगातार अभी चल रहा है। और हम इसलिए कह रहे हैं कि ये लोग जो फल फूल रहे हमारे समाज से, हमारे धन धान से, और हम ही लोगों को गाली दे रहे हैं, हम ही लोगों को आतंकी विचारधारा के तहत हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। लेकिन वो तो कहेंगे ना, हमको बोलने का हक है, संविधान ने हमको हक दिया है। तो अगर इस तरह के अगर अनर्गल अगर बातें कही जाएंगी तो ये तो संवैधानिक नहीं है। अगर आप कहो तो रासलीला, हम कहें तो करेक्टर लीला, इस तरह की जो दोयम दर्जे की मानसिकता है आर्थिक और मनवादी लोगों की, ये हम लोग स्वीकार नहीं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए, इकट्ठे हुए हैं। सुदेश, क्या आपको समाज से समर्थन मिल रहा है इसको लेकर? तो समाज को बड़ी तेज समर्थन इसलिए मिल रहा है कि ये किसी व्यक्ति का या किसी संस्था का मुद्दा नहीं है, ये पूरे बहुजन समाज को अपमानित करने वाला मुद्दा है, और खासकर बहुजन महापुरुषों के ऊपर जो छींटाकशी की गई है बाबा रामदेव द्वारा, ये उसके विरुद्ध लोगों का खिलाफ यहाँ पर इकट्ठा होने का मकसद है, ना कि किसी राजनीतिक रूप से हम लोग कोई बात करना चाहते हैं। हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि जिस तरह बहुजन महापुरुषों को अपमानित किया गया है, उसके लिए संज्ञान ले कानून, और उसके लिए हम लोग कानूनी तौर पर। पेरियार ने कहा था जिसने धर्म बनाया वो धूर्त है, जो धर्म को मानता है वो बेवकूफ है, और जो धर्म का फसल काट रहा है वो बहुत शातिर है। डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में जब बौद्ध धर्म अपनाया था तो उन्होंने कहा था कि मैं किसी ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। वो शख्स जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, और जिस तरह से रामदेव ने बयान दिया है, वो बयान मैंने सुना भी है, सोशल मीडिया पर वायरल है, उससे साफ होता है कि इस देश में आज तक बाबा साहब को देशद्रोही आतंकवादी कहने की किसी ने जहमत नहीं उठाई, और बाबा साहब का जो सोशल कंट्रीब्यूशन है वो पूरी दुनिया मान रहा है,
पेरियार का जो सोशल कंट्रीब्यूशन है वो पूरी दुनिया मान रहा है कि किस तरह से जातिवाद कर्मकांड और के खिलाफ वो लड़े, मानवता के पक्ष में वो लड़े। ताज्जुब होता है मुझे कि कोई शख्स आज के समय में भी पेरियार, अम्बेडकर, फूले को और बहुजन विचारधारा को कैसे आतंकवादी कह सकता है। तो सोचने पर मजबूर तो करता है, और हमें लगता है कि एक बार फिर से बहुजन समाज के लोगों ने संविधान को अपना अस्त्र माना है और वो संवैधानिक तरीके से ये FIR दर्ज करवाने जो है वो पार्लियामेंट स्ट्रीट पहुंचे हैं, जिसमें सुदेश आर्या जो है वो लीड कर रहे हैं। शुक्रिया सुदेश हमसे बात करने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।